एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में फैमान की एंट्री पर आखिर क्यों भड़के फैंस। एक बार फिर फैंस का फूट रहा है सोशल मीडिया पर गुस्सा। फैमान खान को लेकर नहीं थम रही है ट्रोलिंग। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि क्यों लोग फैमान खान पर लगा रहे हैं बड़े इल्ज़ाम। सुम्बुल के साथ आकर एक बार फिर क्यों फंस गए हैं फैमान। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। फैमान खान के लिए सुम्बुल तौकीर खान अब तक की सबसे ज़्यादा लक्की चार्म रही हैं। सुम्बुल के साथ जब भी फैमान खान आए हैं उनका सब कुछ अच्छा हुआ है। और ना केवल फैमान खान, इनके अलावा जितने भी एक्टर्स या जिसने भी सुम्बुल के साथ स्टेज शेयर किया वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहा है। ये फैंस का कहना है कि सुम्बुल के साथ आने वाले लोग को TRP सबसे ज़्यादा मिलती है और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर फैमान खान एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में आ चुके हैं। लेकिन इस बार का आना फैमान खान को भारी पड़ गया है। लोग फैमान खान को सुम्बुल के साथ नहीं देखना चाहते हैं और इसकी बड़ी वजह है फैमान खान का दिया गया टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू जो कि लोगों को झूठा लगा है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स जो आप देख सकते हो, एक यूजर ने तो लिख दिया दिस इज ऑल फैमान खान स्ट्रेटजी फॉर म्यूजिक वीडियो। दूसरे एक और यूजर ने लिखा सुम्बुल के मासूमियत और खूबसूरत सच्चाई सबसे अलग है। सुमान को साथ देखना चाहती हूँ लेकिन सुम्बुल के लिए अलग प्यार है। फैमान खान को एक एक्टर के रूप में देखती हूँ पर सुम्बुल मेरी बेटी जैसी है। सुम्बुल तौकीर खान पे दुख आएगा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उनके लिए दिल से दुआ है वो बहुत खुश रहे। तो फैमान खान को लेकर लोग एज एन एक्टर के तौर पे देख रहे हैं तो दूसरी तरफ सुम्बुल को इमोशन समझ रहे हैं लोग। और सही बात है कि सुम्बुल की जो सच्चाई है वही लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, जिसके चलते लोग सुम्बुल को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और बिग बॉस के घर से सुम्बुल को जो पॉपुलैरिटी मिली है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तो है ही, लेकिन लोगों ने बिग बॉस के बाहर भी सुम्बुल का वो सच चेहरा देखा है। वो फैमान खान को एक्सपोज करना हो या फिर एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में हो या फिर किसी अवार्ड शो में, सुम्बुल कभी भी अपने फैन से झूठ नहीं बोलती है। यही वो बड़ी वजह है कि उसको सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और दूसरी तरफ फैमान खान को लेकर एक और यूज़र ने लिखा ही हैज़ अ नो फेस फॉर अ लाई ही स्पोक। इसके अलावा लोग अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों की तो माने सुम्बुल को ज़रूरत ही नहीं है फैमान की। फैमान खान खुद ब खुद अपनी म्यूज़िक वीडियो के चलते वो बार बार सुम्बुल के पास आ रहे हैं, लेकिन सुमान फैंस जो हैं वो अब फैमान को सुम्बुल के साथ नहीं देखना चाहते हैं। या फिर फैमान खान माफ़ी मांगे और फैमान खान सुम्बुल के घर पर जाएं और तभी फैंस जो हैं फैंस का गुस्सा शांत होगा। बाकी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि फैमान खान के म्यूज़िक वीडियो को हम कम्प्लीटली बॉयकॉट करेंगे। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब